नमस्कार दोस्तों, कृष्णास आईएएस में आपका स्वागत है। और आज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड ए स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट? मीनिंग एंड ए स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और ये टॉपिक यूपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन में एज यूजुअल है, और बिहार लोक सेवा आयोग की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे 66वीं का एग्जाम होने वाला है, तो 65वीं जो बीपीएससी था उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड ए स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और जैसा कि आपको पता है 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है और 65वीं बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ गया है, उसमें कई लोग सफल भी हुए हैं और कई लोगों को असफलता भी मिली है। 64वीं का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें एंथ्रोपोलॉजी में जो हाईएस्ट मार्क्स गया है, जो हमें जानकारी है, वो है 208 इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में 191 मेरे पास जो डेटा आई है उसके हिसाब से, हो सकता है किसी को और इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार फ़ोन करते हैं और ये बात करते हैं कि सर मार्क्स एंथ्रोपोलॉजी में मुझे अच्छा मार्क्स नहीं मिला है, राइट? तो क्या सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है या क्या वजह है? तो आज की ये जो चर्चा है आपको उससे पर भी ध्यान रखकर हम करने जा रहे हैं कि देखिए, किसी विषय में अगर आपको मार्क्स लेना है, अच्छा मार्क्स चाहिए, तो आपको कंटेंट चाहिए। एक तो आपके पास कंटेंट होनी चाहिए और वो कंटेंट रिसेंट कंटेंट होनी चाहिए, मतलब कि जो ट्रेडिशनल कंटेंट है उसके साथ साथ जो करंट में कुछ कंटेंट में बदलाव हो रहा, हर सब्जेक्ट का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें नई नई बातें आती है। तो क्या आपने उन चीज़ों को अपने आंसर में डाला है? तो जिन किसी को भी, जिन लोगों को कम मार्क्स आए होंगे, आप इस कंटेंट को देख करके और ईमानदारी पूर्वक आप अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि क्या आप अपनी आंसर में इतनी कंटेंट जो कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में, ये केवल स्कोप को मैंने यहाँ पर लिख डाला है ताकि आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ सकें कि इतने में से कितना परसेंट कंटेंट आपने अपने एग्जाम में डाला था, ये आप जानते होंगे, और फिर उसके हिसाब से जो मार्क्स आपको मिली है उससे आप अपना मूल्यांकन करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगी कि ये कंटेंट जो है और उस कंटेंट का प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग में और मार्क्स में काफ़ी मदद करता है। एक और मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा आप लोगों को, राइट, कि हम 5 जुलाई को 4 बजे एक लाइव सेशन कर रहे हैं, हाउ टू राइट आंसर और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में। तो जिन लोगों को भी अगर लगे तो आप हमें मैसेज करके व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन अपना पहले करा लेंगे, क्योंकि लाइव सेशन जो होगी उसमें या तो गूगल मीट से होगी या जूम से होगी, तो आप रजिस्ट्रेशन अगर आपका रहेगा, और रजिस्ट्रेशन फ्री है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया है, लगेगा आपको,
तो आप हमारे साथ इंटरेक्ट करके समझ सकते हैं कि आखिर आपकी कंटेंट में क्या कमियां हैं या जो है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट करना है। तो हम लोग बात करें इस टॉपिक के बारे में, फिर आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट, इसका मतलब है कि जब आपको लिखना है कि व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट, और ये आपके आंसर का शुरुआत होता है। ध्यान ये रखना कि ये स्टार्ट होता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें ये समस्या है कि हाउ टू स्टार्ट, हम क्या लिखें कि हम बड़ा ही आराम से अपने आंसर को शुरू कर सके। और आप जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो फर्स्ट अगर आप बहुत अच्छा से लिखते हैं तो फिर आप आगे भी अच्छा कर सकेंगे, राइट। व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो इसके संदर्भ में भी आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए जिससे आप शुरू कर सके। ये एक पैराग्राफ में ही होगा, राइट, जहां पर आप बहुत बेहतर तरीके से इसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। जैसे अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस और ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ मेटेरियल कल्चर रिमेन्स इन कंटिन्यूटी एंड चेंजिंग परस्पेक्टिव। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अगर आपको लिखना हो तो आप आराम से इससे पंक्ति के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपके अंदर कंफ्यूजन है, कई लोगों को इस तरह का है कि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, हिंदी मीडियम में कम मार्क्स आ रहे हैं, राइट। मेरे साथ ऐसा अक्सर नहीं होता, हमारे साथ जो जुड़े रहते हैं लोग, अगर हिंदी भाषा अगर आपकी है और आप अच्छे हैं हिंदी भाषा में तो आमतौर पर मार्क्स कम नहीं मिलती है, क्योंकि मेरी इंग्लिश का जो मटेरियल होती है वो सिम हिंदी में होती है। तो अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, राइट, तो आप हिंदी में लिखेंगे कि पुरातात्विक मानव विज्ञान एक अंतः विषयक विज्ञान है अथवा मानव विज्ञान की एक शाखा है जो मानव के संस्कृति की उत्पत्ति, उद्विकास एवं विकास एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन भौतिक पुरावशेषों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन एवं निरंतरता के संदर्भ में करता है, राइट। ये पंक्ति मेरा ख्याल है कि आपको याद हो जानी चाहिए, आप याद रखेंगे, और अगर आप याद रख के और इसको स्टार्ट करते हैं तो ये बड़ा ही प्रभाव उत्पन्न करेगा। आप में से कई लोग मेंस लिखे होंगे, आप ईमानदारी पूर्वक जज कीजिएगा अपने लेखनी को कि क्या आप इस तरह के कंटेंट दे पा रहे हैं, और उसके बावजूद आपको मार्क्स नहीं मिल रहा, ये रियल में आप में कुछ कमियां है, राइट। तो इसके माध्यम से हम ये बात प्रेजेंट करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब क्या है। लेकिन इस टॉपिक में जो मेजर टॉपिक है या प्रश्न भी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसमें है स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट। अब देखिए, एक चीज ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी विषय के स्कोप को लिखते हैं, राइट, तो स्कोप लिखने के समय भी एक के आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। जैसे हमने कहा कि व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसी तरह से आपको स्कोप जब किसी भी विषय को लिखें, एंथ्रोपोलॉजी के किसी भी
ब्रांच को आप लिखें तो आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। और वो आपका बड़ा सिस्टमेटिक साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे अगर इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करें तो हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट। तो एक बार तो आपने बताया उसकी मीनिंग को, राइट। तो उसके बाद पैराग्राफ जो आप चेंज करें तो आप लिखें कि पुरातात्विक मानव विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है, क्योंकि यह एक सैद्धांतिक विज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक विज्ञान भी है, राइट। और चूंकि पुरातात्विक मानव विज्ञान के ज्ञान एवं आंकड़ों का उपयोग समकालीन मानव की समस्याओं के निराकरण में व्यवहारिक रूप से किया जाता है, इसलिए इसका स्कोप जो है निरंतर विस्तृत होते जा रहा है और ये बहुत ही व्यापक है। इसको लिखने के बाद आप लिखें कि वी कैन प्रेजेंट स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी थ्रू फॉलोइंग डायग्राम, राइट। ये फ्लो चार्ट आप बना देंगे और इतने चीजों को आप पहले लिखेंगे फ्लो चार्ट में। इसको आप सर्किल में भी बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। उसमें जैसा भी आपको कंफर्टेबल होगा तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 16 यानी 16 जो है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के सब ब्रांचेज की चर्चा इससे फ्लो चार्ट में है। फिर फ्लोचार्ट के बाद आप इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। पहला ये है आपका, क्यों पहले हम इसको दे रहे हैं, क्योंकि आरंभिक समय में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मेनली इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट प्री हिस्टोरिक कल्चर, राइट। शुरुआत में जो पुरातात्विक मानव शास्त्री थे वे प्री हिस्टोरिक कल्चर के अध्ययन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उसका कारण क्या था? देखो, कारण ये था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में मनुष्य का बायोकल्चर इवोल्यूशन होता है। दैट वॉज द पीरियड वेयर ह्यूमन बायोकल्चर इवोल्यूशन स्टार्टेड। तो मनुष्य का बायोकल्चर इवोल्यूशन होता है और इसलिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्चर, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसलिए शुरुआती समय में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब लिया जाता था प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी या प्री हिस्टोरिक कल्चर के संदर्भ में वी हैव नॉट रिटेन रिकॉर्ड, राइट। हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। सो वी ओनली डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल डेटा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सो अर्लियर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मेनली इंटरेस्टेड टू स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। आप थोड़ा सा इसके बारे में लिखें। उसके बाद हम प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की बात करेंगे। अब देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी जो है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर ह्यूमन रिटन स्क्रिप्ट से परिचित तो होता है लेकिन वर्तमान में हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं है, राइट। सो दैट वॉज द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन प्री हिस्टोरिक कल्चर एंड हिस्टोरिकल पीरियड, राइट, कल्चर ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से यहाँ पर क्या हो रहा कि देर वॉज इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी आद ऐतिहासिक जिसको बोल रहे हैं, इसी में मानव के इतिहास में सिविलाइजेशन का विकास होता है, नगर का विकास होता है। और इसलिए जो फेमस आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वी गॉर्डन चाइल्ड, सो ही सेड दैट वॉज द पीरियड ऑफ अर्बन रिवोल्यूशन, राइट, नगरीय क्रांति वो कहते हैं। और यहाँ से मनुष्य जो है सिविलाइजेशन में प्रवेश करता है
और इस दृष्टिकोण से आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अध्ययन में इंटरेस्ट रखते हैं और यहाँ से एक नया स्कोप खुलता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। इसके बाद हम बात करेंगे हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, और हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी मीन्स दैट इज ए सब ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। और आप जानते होंगे कि हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब क्या है, कि ऐसा पीरियड जब मनुष्य लेखन कला से अवगत था और वो लिखित साक्ष आज भी हमें उपलब्ध है जिसको हम पढ़ सकते हैं, यानी कि ह्यूमन के कल्चर डेवलपमेंट को जानने के लिए लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास उपलब्ध है और इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इसमें क्यों इंटरेस्टेड हुए? सो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट वांट टू नो हाउ मच लिटरेरी सोर्सेज इज एक्यूरेट, यानी लिटरेरी सोर्सेज में जो बातें कही गई है वो कितनी सही है। तो उसका अगर हम एक्यूरेसी की जांच करें तो आर्कियोलॉजिकल डेटा के साथ अगर लिटरेरी जो सोर्सेज के डेटा है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे तो उसके माध्यम से हम उसकी एक्यूरेसी की जांच कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है प्री हिस्टोरिक कल्चर, प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर और हिस्टोरिकल कल्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये बेसिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के सब ब्रांचेज हैं और उसके इसको कि ये एक तरह से रीढ़ हैं। लेकिन बाद में कुछ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्लासिकल पुरातत्व, राइट, क्लासिकल आर्कियोलॉजी यानी कि विश्व की प्राचीन जो क्लासिकल सभ्यताएं हैं जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, राइट, उसका स्पेशल स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो यहाँ से एक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्लासिकल पुरातत्व का डेवलपमेंट होता। सब में आपको दो दो लाइन ही लिखना है क्योंकि 16 पॉइंट यहाँ पर हमने मेंशन किया है। देखिए, अधिक मार्क्स लाने के लिए ध्यान ये रखना है कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से सभी जगह उपलब्ध नहीं है, है ना, हर कोई उसी को लिखेगा तो फिर उसमें, और सबसे बेहतर हो, सबसे स्टैंडर्ड हो तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ये एकदम कन्फर्म है कि आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छा डेटा तैयार किया, अच्छा कंटेंट तैयार किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये चार के बारे में लिखने के बाद पांचवा जो है मेरीटाइम आर्कियोलॉजी, है ना, समुद्री पुरातत्व के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है कि आर्कियोलॉजिस्ट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेरीटाइम एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी कि पुरातात्विक के जो प्रमाण है या पुरावशेष है सामुद्रिक गतिविधियों के संदर्भ में, जहाजरानी का किस प्रकार से विकास होता है और समुद्र में किस तरह से जहाजरानी अगर कोई डूब जाता है तो उसकी प्रोसेस की खोज करके और उसके बारे में एक नया डिस्कवरी करके उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है टाइटेनिक की खोज। टाइटेनिक डूब गया था समुद्र में और मेरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी खोज की और तब जाके लोगों को टाइटेनिक जो बहुत ही फेमस जहाज है जिसपे फिल्म भी बनी है उसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। तो समुद्र की जो गतिविधि है, जो पास सोसाइटी में कैसे मेरीटाइम का डेवलपमेंट होता है, उसकी एक्टिविटी किस तरह से कल्चरल पास्ट के साथ जुड़ी हुई है, उसकी जानकारी हम इसके माध्यम से करते हैं। इसके बाद है अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, दैट इज अ वेरी न्यू सब ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम क्या करें कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट समुद्र में डूब गया है या नदी के जल में विलीन हो गया है उसकी हम खोज कर रहे हैं और उसके माध्यम से कल्चर डेवलपमेंट का अध्ययन करें। जैसे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है भारत से
द्वारिका की खोज अभी भी एक्सकेवेशन वहाँ पर चल रहा और द्वारिका की खोज समुद्र में की गई है। तो एक तो द्वारिका हिंदू माइथोलॉजी में वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो समुद्र में डूब गया, लेकिन अब अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के माध्यम से उसकी एक्सकेवेशन की जा रही है और उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त किए जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है और इससे आप समझ सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप कितना बड़ा हो रहा, कितना विस्तृत हो रहा, राइट। इसके बाद इंडस्ट्रियल आर्कियोलॉजी, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी न्यू सब ब्रांचेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि आप जानते होंगे कि 19वीं शताब्दी में, लेट 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ और पूरे 19वीं शताब्दी में बीचीन में औद्योगिक क्रांति होती है और उसके बाद औद्योगिक क्रांति का फैलाव होता है। तो बीचीन में जब औद्योगिक क्रांति होती है, जिन नगरों में होती है, जिन इंडस्ट्री में होती है, उसकी अवशेष अभी भी ब्रिटेन के उन नगरों में विद्यमान है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्राई किया कि अगर हम उन नगरों का, उस समय के इंडस्ट्रियल जो मशीन है, इक्विपमेंट है, और उसका सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट का स्टडी करें, तो उससे 19वीं शताब्दी का जो ब्रिटेन है या जो इंडस्ट्रियल शहर है उसके और उसके डेमोग्राफी के बारे में, उसके सोशियो कल्चर डेवलपमेंट के बारे में एक नया उस पर प्रकाश पड़ेगा और यहाँ से इंडस्ट्रियल आर्कियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब आप इसको नोट करेंगे, आप इसको लिखेंगे, तो आपको एक अलग, मतलब आपके जो आंसर होते हैं उसमें ये कंटेंट दिखने लगता है कि हाँ आपने दूसरे से बेहतर किया है, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल आर्कियोलॉजी सब में चूंकि आपको कम कम ही लिखना है। इसके बाद न्यू आर्कियोलॉजी, ये न्यू आर्कियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को 1960 ईस्वी में सेली विनफॉर्ड एंड लेविस विनफॉर्ड डेवलप करते हैं और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि न्यू आर्कियोलॉजी में क्या कहते हैं। दरअसल इसके पहले आर्कियोलॉजी में जो स्टडी किया जा रहा था तो उसकी एक बहुत बड़ी क्रिटिक्स थी कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मेनली फोकस टू स्टडी अबाउट ए मेटेरियल कल्चर ऑफ मैनकाइंड, राइट, एंड आर्कियोलॉजी कैन नॉट केपेबल टू स्टडी ऑफ नॉन मेटेरियल कल्चर ऑफ मैनकाइंड। यानी कि आर्कियोलॉजी पर यह ब्लेम था कि आर्कियोलॉजी मनुष्य की भौतिक संस्कृति का तो अध्ययन बेहतर तरीके से कर लेता है, लेकिन अभौतिक संस्कृति, जहाँ विश्वास की बात करते हैं, हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम थॉट की बात करते हैं, हम सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, उसके बारे में आर्कियोलॉजी बड़ा कम इंफॉर्मेशन देता है। तो विनफॉर्ड ने डेवलप किया एक नया अप्रोच, दैट वाज वेरी न्यू अप्रोच इन आर्कियोलॉजी, और उसमें विनफॉर्ड कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी केपेबल टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनकाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये करें कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का अगर हम उपयोग करें, जिसके अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल डेटा के जो इंटरप्रिटेशन है उसमें हम इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जूलॉजी, बॉटनी, पैलियोजूलॉजी, पैलियोबॉटनी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स इत्यादि के मेथड टूल्स का उपयोग करें, तो देन आर्कियोलॉजी के माध्यम से हम पास्ट सोसाइटी के मेटेरियल एंड नॉन मेटेरियल दोनों ही कल्चर का अध्ययन करने में सक्षम हैं। ये अप्रोच विनफॉर्ड ने डेवलप किया और यहाँ से ड्रास्टिक चेंज होता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप में। तो इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन बाद में 1980 के डिकेड में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट इयान हडर, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इंटरप्रेटिव आर्कियोलॉजी। और ये इंटरप्रेटिव आर्कियोलॉजी जो है इसकी क्रिटिक्स में उन्होंने डेवलप किया, क्योंकि जो विनफॉर्ड का जो अप्रोच था न्यू आर्कियोलॉजी, उसमें वो फोकस दे रहे थे
कि एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर और अदर एक्सटर्नल फैक्टर के साथ अगर ह्यूमन का कोरिलेशन को स्थापित कर दिया जाए तो हम कल्चर डेवलपमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि कल्चर डेवलपमेंट जो है इंटरप्रेटिव में मतलब आर्कियोलॉजिकल डेटा की नई व्याख्या यहाँ हो रही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया कि मनुष्य का जो इंटरनल इनोवेटिव माइंड है उसका रोल कल्चर के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, न कि एक्सटर्नल फैक्टर का। और इसलिए आर्कियोलॉजिकल जो इंटरप्रिटेशन है ये सब्जेक्टिव है, ये ध्यान में रखना है, सब्जेक्टिव है। यहाँ ये ऑब्जेक्टिविटी की बात किए थे, ऑब्जेक्टिविटी की, ऑब्जेक्टिवली हम स्टडी कर सकते हैं मनुष्य की कल्चर पास्ट का और होल एस्पेक्ट का स्टडी कर सकते हैं, ये यहाँ करें कि नहीं, इट इज ए सब्जेक्टिव। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ माइंड, यानी जब माइंड का आप स्टडी करेंगे, लोगों के थॉट का स्टडी करेंगे, आइडियोलॉजी का स्टडी करेंगे, तो दैट मेनली इन्फ्लुएंस अबाउट इनर इनोवेटिव अप्रोच, राइट। और फिर ये इसका क्रिटिक्स करते हैं, जैसे इंटरप्रेटिव आर्कियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, और यहीं से कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी भी का एक नया दिशा शुरू होता है कि मनुष्य का जो कॉग्निशन है, संज्ञान मतलब नॉलेज परसीव करने का तरीका, इसको भी आर्कियोलॉजी के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आर्कियोलॉजिकल डेटा के माध्यम से हम लोग पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और इसके माध्यम से हम इन चीज़ों को समझते हैं कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी के अंतर्गत, और यहाँ से एक नया दिशा खुलता है। बाद में इसका और डेवलपमेंट होता है और वहाँ से एक सिंबॉलिक आर्कियोलॉजी निकलता है, कि सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी भी आप पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में ध्यान ही रखना है ना। तो सिंबल का जो रोल है ह्यूमन कल्चर में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो कई ऐसे सिंबॉलिक प्लेस मिलते हैं जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेविशन होता है, तो पर्टिकुलर जगह पर ही हम अपने मृतक को दफनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह का क्या इम्पोर्टेंस है कल्चर में, इसकी स्टडी को सिंबॉलिक आर्कियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करने पर बल दिया गया। ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को एक नया दिशा भी देता है। और इसके बाद अब बात करेंगे इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी, पर्यावरण का पुरातत्व। अब देखो इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी में फोकस क्या हुआ आर्कियोलॉजिस्ट का, कि कल्चर को अगर समझना है तो कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड देयर इन्वायरमेंट। मनुष्य अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करता है और उसी इंटरेक्शन के क्रम में मनुष्य कल्चर डेवलप किया है। तो मनुष्य के कल्चर के डेवलपमेंट को समझने के लिए, कल्चर चेंज को समझने के लिए हमें स्टडी करना है कि इन्वायरमेंट मनुष्य पर कितना प्रभाव डाला है, राइट। यानी कि इन्वायरमेंट ने कल्चरल परिवर्तन, सांस्कृतिक विकास और परिवर्तन को कितना प्रभावित किया है, एक। और दूसरा कि मनुष्य ने अपने इन्वायरमेंट में कितना परिवर्तन किया, राइट। और यहाँ से एक इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, जिसके अंतर्गत दो इम्पॉर्टेंट इसके सब ब्रांच हैं, एक तो जियो आर्कियोलॉजी, राइट, और दूसरा है बायो आर्कियोलॉजी। तो जियो आर्कियोलॉजी में जियोलॉजिकल जो स्टेटिग्राफी है उस स्टेटिग्राफी का हम आर्कियोलॉजिकल स्टेटिग्राफी की अध्ययन में करते हैं, और उससे हम सांस्कृतिक जो विकास की प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और बायो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल रिमेन्स और प्लांट के रिमेन्स का स्टडी करते हैं और कल्चर के साथ उसका कोरिलेशन स्थापित करते हैं, क्योंकि हम पहले कह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस विथ देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि कल्चर जो है मनुष्य की उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का परिणाम ही है,
यह अप्रोच है, और यहाँ से एक नए डायरेक्शन का डेवलपमेंट होता है आपको आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, राइट। यहाँ से ही एक नया चीज और यहाँ पर खुलता है, सेटलमेंट आर्कियोलॉजी। जब पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जिन क्षेत्रों में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया वहाँ सेटलमेंट पैटर्न का स्टडी करना शुरू किया कि जो लैंडस्केप है उसके साथ मनुष्य का रिलेशंस, राइट, पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर टाइप का सेटलमेंट पैटर्न, और वो कल्चर डेवलपमेंट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ से सेटलमेंट आर्कियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। और इसके बाद एक नया चीज़ यहाँ पर आता है, इथनो आर्कियोलॉजी। जैसा कि हमने कहा कि नवीन पुरातत्व का क्रिटिक्स इंटरप्रेटिव आर्कियोलॉजी ने किया, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इथनो आर्कियोलॉजी। और ये इथनो आर्कियोलॉजी क्या है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इथनोग्राफी एंड आर्कियोलॉजी, राइट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किया गया कि अगर हम पास सोसाइटी का, मान लो प्री हिस्टोरिक कल्चर का स्टडी कर रहे हैं, तो प्री हिस्टोरिक कल्चर के लोग बहुत प्रिमिटिव लाइफ जी रहे थे, और अगर वर्तमान में कोई ऐसा ट्राइब्स है जो कि एकदम प्रिमिटिव अवस्था में हंटर फूड गैदर है, तो इथनोग्राफी के माध्यम से उस हंटर फूड गैदर सोसाइटी का मेटेरियल कल्चर के संदर्भ में डेटा कलेक्ट करें और नॉन मेटेरियल कल्चर के संदर्भ में, और एक्सकेवेशन के माध्यम से पास सोसाइटी की आर्कियोलॉजिकल डेटा का कलेक्ट करें। और यह अप्रोच है कि अगर दोनों में कुछ समांतरता है, पैरेलल है, तो हम प्रेजेंट सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में पास सोसाइटी के मेटेरियल कल्चर और नॉन मेटेरियल कल्चर दोनों का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, दैट इज इथनो आर्कियोलॉजी, राइट। ये यूपीएससी के सिलेबस में ये है, सेकेंड पेपर में एक टॉपिक के रूप में ही है, इंडिया के संदर्भ में इथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया। तो यहाँ से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सब ब्रांच डेवलप किया आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। और इसके बाद ये जो दो इम्पॉर्टेंट है, ये अप्लाइड आर्कियोलॉजी का पार्ट है, ध्यान रखना है, अप्लाइड आर्कियोलॉजी व्यवहारिक पुरातत्व। तो एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं पुरातत्व विद्वान, कि जैसे पास सोसाइटी हमको प्राक इतिहास पढ़ना है ना, तो हम किस चीज़ से पढ़ते हैं, उसके टूल्स, स्टोन टूल्स, तो ये प्रयोगशाला में जो है लेबोरेटरी में उस टाइप के टूल्स बनाने का प्रयास करते हैं, और उससे टूल्स टेक्नोलॉजी उसके यूज वगैरह का अध्ययन करके पास्ट का प्रजेंट के में किए गए एक्सपेरिमेंट के आधार पर पास्ट को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे डेवलप होता है आपका एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो स्टडी हुआ उस स्टडी को ह्यूमन के लिए रिलेवेंट बनाने के लिए आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में एक रिसेंटली ब्रांच डेवलप हुआ है, जिसको बोलते हैं कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन। इसका मतलब है कि इतनी चीज़ें हमने जो पढ़ा उसका क्या यूज़ है हमारे लिए, राइट। तो हमारे कल्चर के मैनेजमेंट के लिए इन चीज़ों का बड़ा ही रोल है, क्योंकि वी आर कल्चरल एनिमल। सभी लोग अपने कल्चर को प्राउड फील करते हैं, तो हमें अपने कल्चरल रिमेन्स को हम संरक्षित करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, म्यूजियम में देते हैं या ऐसे, उसके माध्यम से हम सांस्कृतिक विकास को तो समझते ही हैं, वर्तमान जो हमारा पीढ़ी है उसको उसकी शिक्षा भी देते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी हम समझते हैं कि पर्टिकुलर टाइप का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे होता है। और इस तरह से जब सबको आप समराइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है ये बहुत ब्रॉड है। और लास्टली आप कंक्लूजन में आप इस बात को लिखेंगे कि इस प्रकार आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, और यह समय के साथ निरंतर वृद्धि करते जा रहा है, विस्तारित होते जा रहा है,
क्योंकि इसके ज्ञान एवं आंकड़ों का उपयोग हम समकालीन समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर इतना कंटेंट आप लिखते हैं और उसके बाद मार्क्स अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर विचारणीय प्रश्न है। आप ये देख लेंगे जो लोग 64वीं 65वीं मेंस दिए होंगे, 65वीं में ये क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी में कि डिस्क्राइब मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो आपने कैसा लिखा है और इस कंटेंट से आप अपने आप को मिला करके और तब आप इवैल्यूएशन करेंगे अपने मार्क्स को, तो मुझे लगता है कि आप सही तरीके से अपने मार्क्स का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, राइट। और इस तरह से आप अपने कंटेंट को भी डेवलप कर सकते हैं और आंसर राइटिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। लास्टली मैं दो बात कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के संदर्भ में मैंने एक फ्री क्लास भी रखी है आप लोगों के लिए, खास करके बिहार बीपीएससी 66 थे जो लोग मेंस दे रहे हैं, और 5 जुलाई को 4 बजे वो इंटरेक्टिव क्लास होगा ऑनलाइन, लेकिन उसमें आप प्री रजिस्ट्रेशन करा लेंगे क्योंकि चूँकि लाइव क्लास होगी तो उसमें विदाउट प्री रजिस्ट्रेशन के जो कि फ्री है उसमें अलाउ नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।